नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को देखें कि एक और नई फ्रेश वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं आपको कि बैकस्टॉप HD गेम आप अपने डिवाइस में कैसे चला सकती हैं, वो भी Redmi Note 5 Pro में। दोस्तों अदर डिवाइस वाले हैं उनके लिए भी मेरे पास यहां पर गेम है बैकस्टॉप HD का। अगर आप भी चलाना चाहते हैं, आपके पास Redmi Note 5 Pro नहीं है तो अगर आप भी चलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। और जिसके पास Redmi Note 5 Pro है वो तो जरूरी देखना, क्योंकि Redmi Note 5 Pro में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है बैकस्टॉप HD गेम के थ्रू। तो काफ़ी फ़ोन्स में जो Redmi Note 5 Pro के फ़ोन है उनमें बैकस्टॉप HD वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं पूरा मेथड लेकर आया हूँ कैसे Redmi Note 5 Pro में ये बैकस्टॉप HD गेम कम्प्लीट एकदम फिक्स तरीके से वर्क करे। तो फाइनली आपको ये वीडियो स्किप नहीं करनी, शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है। कैसे आपको, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कैसे आपको क्या क्या कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी देरी के। तो फाइनली दोस्तों आपको इस गेम के लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको तीन लिंक दिए। पहली मैंने आपको एप्लीकेशन की लिंक दी है बैकस्टॉप HD APK की लिंक, उसके बाद दूसरी लिंक मैंने आपको डाटा फाइल की दी है, उसके बाद मैंने तीसरी लिंक आपको जेरन जीवर एप्लीकेशन की दी है। तो पहले आपको अपनी एप्लीकेशन पे वाली लिंक पर क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों जब आप दूसरी लिंक पर क्लिक करते हो डाटा वाली पे तो आपको कुछ ऐसी साइट खुलकर आपके सामने आ जाएगी। तो फाइनली आपको यहाँ नीचे जाना है, यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट भी दे देगा कि आपकी रैम कितनी होनी चाहिए और आपका CPU कितना होना चाहिए, यहाँ पर वर्जन वगैरह सब कुछ दे देगा, पढ़ लीजिएगा। तो फाइनली यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर आपको आते समय यहाँ OBB डाटा भी मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर आपको ये फाइल डाउनलोड नहीं करनी है जो यहाँ पर दे रहा है, APK फाइल Adreno और यहाँ पर APK फाइल टैबलेट, ये वाली फाइल आपको डाउनलोड नहीं करनी, ओनली आपको OBB फाइल डाउनलोड करनी है। तो फाइनली आपको OBB फाइल पर क्लिक करना है, आपको OBB फाइल ओनली डाउनलोड करनी है। मैंने एप्लीकेशन की लिंक तो आपको अलग से दी हुई है, आप वहीं से डाउनलोड करें। यहाँ से आपको OBB फाइल डाउनलोड कर लेनी है। तो यहाँ पर वेट फॉर डाउनलोड के लिए कह रहा है, यहाँ 3 सेकंड ले रहा है। तो यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर ये डाउनलोड के लिए आ चुका है। तो फाइनली आपको डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। ये दोस्तों मैंने पहले डाउनलोड कर लिया है इसलिए मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। इसके बाद बिल्कुल बैक हो जाना है। और दोस्तों जो मैंने आपको तीसरी लिंक दी है जेरन चीवर एप्लीकेशन की, तो फाइनली आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों ओपन करने के बाद आपको अपने डाउनलोड में चला जाना जहाँ पर अपनी गेम को डाउनलोड करके रखा हुआ हो। तो मैं डाउनलोड में आ जाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन और डाटा फाइल आगे होगी। डाटा फाइल आपकी 620 MB की है और आपकी एप्लीकेशन 4.16 MB की है। तो फाइनली सबसे पहले आपको अपनी एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, आपको अपनी एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, ओपन कर लेना इसे और आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। आपको इसे इंटरनल या SD कार्ड में कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है दोस्तों। तो यहाँ पर मेरी इंटरनल में इंस्टॉल हो रही है, बस आपको ध्यान रखना है मैंने एप्लीकेशन कहाँ इंस्टॉल की है। तो आपको यहाँ डन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपने जो आपका जो ज़िप फाइल है उस पर क्लिक करना है और आपको उसे व्यू कर लेना है। और आप जो फोल्डर देख रहे होंगे आपको उस पर प्रेस कर लेना है और आपको उसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने का ऊपर सेलेक्ट करना है जहाँ पर भी आपने अपनी इस गेम की एप्लीकेशन इंस्टॉल की है, आपको यहाँ से उसी डिवाइस में चला जाना है आपको। तो मैंने इंटरनल मेमोरी में किया तो मैं यहाँ से इंटरनल मेमोरी में चला जाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, आपको एक गेम लॉट फोल्डर खुद से क्रिएट करना है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आप मीनिंग देख सकते हो GAMELOFT गेम लॉफ्ट नाम से, ये फोल्डर आपको खुद से मेक करना है। गेम लॉफ्ट के अंदर आपको गेम्स का फोल्डर मेक करना है, आप यहाँ देख सकते हैं स्पेलिंग गेम्स का मेक करना है आपको। तो दोस्तों मेक करने के बाद आप जब गेम्स का फोल्डर बना लें उसके बाद अंदर चले जाना इसके और आपको यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना अपनी फाइल को। ये 100% तक होगी दोस्तों, आपको इसे यहाँ पर ऐसे ही पेस्ट हो जाने देना है 100% तक।
दोस्तों हमारी यहाँ पर फाइल पेस्ट हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको जो फोल्डर आपने यहाँ पर पेस्ट किया है आपको उस पर प्रेस कर ही रहना है, और यहाँ पर आपको नीचे रीनेम का ऑप्शन देगा, रीनेम का, तो आपको उस पर क्लिक कर देना। और एक बार क्लिक करके आपको एडी नाम से ये लिखा हुआ दे रहा है, आपको इसे डॉट तलक हटा देना यहाँ तक, और आपको इतना देख सकते हो आप यहाँ पर, इतना आपको लिखा रहने देना है और ओके कर देना है। फाइनली इतना करने के बाद अब आप अपना गेम ओपन कर सकते हो। दोस्तों ये बात हुई Redmi Note 5 Pro के लिए। अब बात कर लेते हैं अगर आपके पास दूसरा डिवाइस है तो आपको क्या करना होगा। तो आपको मेरे लिंक पर डाटा वाली पर क्लिक करना है, मेरा नेट ऑफ है, मैं ऑन कर लेता हूँ पहले। डाटा वाली लिंक पर क्लिक करना है आपको फिर से। अगर आपके पास अदर डिवाइस है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर APK फाइल मिल जाएगी दूसरी, और यहाँ पर ये डाटा मिल जाएगी। तो फाइनली आप इनको अदर डिवाइस में चला सकते हैं, ये आपकी अदर डिवाइस हो उसमें काम कर जाएगी फाइनली, ठीक है। तो आप अगर आपके पास अदर डिवाइस है तो इन दोनों को डाउनलोड कर लीजिए, और सेम मेथड वही है जो मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ, वही आपको सब कुछ करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों आपको अपना नेट ओपन करने के बाद अब आपको अपना गेम ओपन कर लेना है, सेम मेथड है सब कुछ। आपको आपकी ये अदर डिवाइस हो या आपके Redmi Note 5 Pro हो, जैसे मैं बता रहा हूँ बस वैसे ही आपको करना है। तो यहाँ पर आपकी बैकस्टॉप HD की APK आ गई है, तो फाइनली आपको इस पर क्लिक करके गेम को ओपन कर लेना है। और हाँ, आपको अपने नेट को ओपन रहने देना है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ वेरीफाइंग फाइल्स वगैरह करेगा। तो मैं अपने गेम को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा गेम ओपन हो रहा है, यहाँ चेकिंग फॉर ए न्यू वर्जन, देर इज न्यू वर्जन टू अपडेट यहाँ पर कह रहा है, तो ओके पे क्लिक कर देना है। चेकिंग लाइसेंस कर रहा है फिलहाल ये। तो फिलहाल ही दोस्तों हमारे यहाँ पर गेम ओपन हो चुका है। दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस गेम को ना प्ले होने में तो मुझे कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और अगर दोस्तों आपके ये में गेम चल गया हो, वर्क कर गया हो, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों अगर आपके मन में कैसा भी कोई भी आप गेम चलवाना चाहते हो Redmi Note 5 Pro पे अदर डिवाइस में, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में।